ओके, थैंक यू सो मच। उपस्थित जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं, या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में सुनेंगे, सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हम सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करते हुए आए हैं, और सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर भी आगे बढ़ते हुए आए हैं। ये मंच है, नई दिशा का मंच, बड़ा एक अपने आप में एक अतुल्य मंच है। और इस मंच में हम आके बहुत कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक बातों पर सीखना पसंद करते हैं, या उन पर अमल करने का एक जो अंदर से एक प्रेरणा आती है। तो कहीं ना कहीं ये मंच बड़ा एक गौरवपूर्ण प्रदान करता है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, और हम सभी की जो सक्सेस है वो बिल्कुल रियल एंड ग्रैंड है। इस सक्सेस को हमें पूरी लाइफ टाइम, पूरे जनरेशन बाई जनरेशन एक लेगेसी के रूप में भी छोड़ के जाना है। तो डेफिनेटली वो सब बातें, वो बहुत सारवर्धक बातें, या इतनी बड़ी बातें कैसे सार्थक हों, उसके लिए हमारा मन मस्तिष्क, या हमारा व्यवहार, या व्यक्तित्व कैसा हो, इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा, कृतज्ञता प्रकट करूंगा डॉक्टर इद्रीस मोदी जी का, जिन्होंने इतना एक खूबसूरत ये मंच नई दिशा के माध्यम से क्रिएट किया, हम सभी लोगों को अवेलेबल कराया, और हम सभी लोग यहाँ पर नित प्रतिदिन आकर कुछ ना कुछ एक ज्ञानवर्धक सार्थक बातें करती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा नई दिशा के मंच को पर डे एक प्रॉपर रूप में कंडक्ट करने के लिए, श्रवण केल सर का, साहिन हसन जी का, संपा सरकार जी का, जो नई दिशा के ऑर्गेनाइजर हैं, इनके भी प्रयासों का मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि इनका व्यक्तिगत रूप से भी मेरे साथ काफी अच्छा सहयोग और समर्थन रहा है। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन है, हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ये क्या है, इन बातों पर हम कैसे ये अमल करेंगे, और ये हमारे अंदर कैसे पैदा होती है, कैसे इन बातों को हमें विकसित करना है, बहुत सारी बातों को डिटेल में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे आज के प्रेजेंटर जेपी सिंह जी से, जिनका नाम फुल नेम जयप्रकाश जी है। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, मुखर प्रवृत्ति के हैं, और बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं जब भी अपने वो विचार देते हैं, हम सभी उनको जानते हैं। तो ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं जयप्रकाश जी को बहुत बहुत गर्मजोशी से और सम्मान सहित यहाँ पर उनको आमंत्रित करता हूँ कि आइए सर, आज के सेशन पर आप अपनी प्रेजेंटेशन दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन पे आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। थैंक्स आप सभी का। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, हम सबके चहेते इस मंच के क्रिएटर, हम सबके मेंटर डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद। हमेशा आभार प्रकट करेंगे, हमेशा आपके इस एहसान का ऋणी रहेंगे, जो आज ये मंच आपने हमें एक उपकार के रूप में दिया, और जो आज हम लोग अपने सीखने सिखाने की प्रोसेस को लेके एक परफॉर्मेंस कर पा रहे हो और अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे। थैंक्स ऑल नई दिशा परिवार, सभी नई दिशा चैनल के ऑर्गेनाइजर, बैकएंड पे सर्वन के जो काम करते हैं, दिल से धन्यवाद शशिकांत सर का, पूरे नई दिशा परिवार पे। यहाँ जो सायन मैम, संपा मैम, विकास सर, सरमनन सर, गायत्री मैम जी, पारुल मैम, अमर सिंह, रेनू मैम, शशकांत सर, विकास, राकेश मिश्रा जी, इवन ऑल जो भी हमारे नई दिशा परिवार में आज एक सदस्यता के रूप में, एक सदस्य के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में जुड़ रहे हैं, सबका दिल से धन्यवाद। हमेशा नई दिशा परिवार की तरफ से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। नई दिशा परिवार, एक विगत दिनों की बात, आज भी अब मंडे टू फ्राइडे के साथ में अपने एक शाम के 6:30 बजे सेशन के साथ में हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हैं। आज हमारे साथ में एक होस्टिंग है जी, कंडक्ट करेंगे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। दिल से आप विकास सर आपका भी धन्यवाद कहेंगे, जो आप मेरा आज आज साथ देंगे और पूरे नई दिशा परिवार का। बात करते हैं टॉपिक पे, चूंकि नई दिशा परिवार इस बात की अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है कि एक नए टॉपिक के साथ में और ये यूनिक टॉपिक के साथ में हम आते हैं। हमारा ये प्रयास है कि ये सीखने की सिखाने की प्रोसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, एजुकेशन, समझ, जागरूकता के प्रति हम अपने आप को परिपक्व बना पाए।
ऐसी एक मुहिम हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नई दिशा परिवार का ऐसा मकसद है। क्योंकि ये प्रेरणा, ये सीख, ये समझ हम सबके मेंटर डॉक्टर जगदीश मोदी सर ने ऐसी हमें एक अपनी एक दीक्षा में, मैं कह सकता हूँ ये अपने एक हमें कृपा से ये देखे गए, और उसको जिंदा रखना या उसको कामयाब रखना हम सबका कर्तव्य है और मेरा ऐसा प्रयास भी है। टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मैं कह सकता हूं परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का लक्ष्य। इंसान जीवन में जब अपने चारों तरफ देखता है, कुछ निगाह फैला के एक समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज से, अपनी गुणवत्ता से जब किसी चीज को देखने के प्रयास करता है, तो उसमें एक चीज आती है कि वो चीज का एक किस एंगल से क्या मानक उसका देता है, क्या उपाधि देता है, क्या सर्टिफाई करता है उसको। जैसे शब्द आते हैं वो बढ़िया है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, कुछ लोग कहते बेहतरीन है, कहते सर्वश्रेष्ठ है, महान है, उच्च क्वालिटी का है, कहता हूं उसमें सब कुछ है। इन सारे सभी चीजों को अगर मिला के एक कॉम्बो एक नटसेल में बता दूं तो उसका नाम होता है उत्कृष्टता। हम अपने जीवन में एक आम इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, या हम एक सभ्य इंसान बनना चाहते हैं, संस्कारी इंसान बनना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं, हम मान इंसान बनना चाहते हैं, या एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं। और ये सारी जिससे पहले बताए वो सारी सब चीजों को मिला के देखें तो हम ये देखना चाहेंगे, नक्सल में कहेंगे हम एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं। कितने इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है लेकिन उत्कृष्ट बन सकता है, किसी भी एंगल से, किसी भी क्राइटेरिया से, किसी भी मानक से, किसी भी इंसान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद देखे अगर वो एक कोई कमी ना निकाल पाए, हम अपने आप को उत्कृष्ट मान सकते। अब इस लेवल में हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हर इंसान के जीवन में एक नई श्रेणी आती है, नया अपडेटपन अपग्रेडपन रहता है, क्योंकि संपूर्णता किसी के अंदर नहीं रहता, कुछ ना कुछ कमी रहती है और नया लेवल हमेशा तैयार रहता है। तो उसके लिए ये आज का टॉपिक कहता है कि आपका अगला टारगेट या लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्यता को ये समझ में रखने के लिए अब हर इंसान अपनी सामर्थ्य, अपनी सूझबूझ, अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से अपने आप को उत्कृष्ट बनाता है। और जब उस लेवल की समझ जा रही होती है तो अगला हर इंसान अपना एक नया टारगेट, मैं कह सकता हूं अगला लक्ष्य बनाता ही चला जाता है कि आज इस लेवल की हमने सूझबूझ कर पाई और रख पाई, आज हम अगले। जैसे अभी गायत्री में हम विकास सर चर्चा कर रही थी कि फर्स्ट सेशन और आज का जो सेशन हम जो कर रहे हैं किस लेवल पे हमने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, कह सकता हूं कि एक उत्कृष्ट की श्रेणी में हम अपने आप को कहां तक पहुंचा पाए, बेहतर की तरफ चल पाए, यही आशा है। और निरंतर चाहे वो गायत्री मैम हो, हम सबका एक प्रयास है कि हम अपने आप को उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा बना पाए। लेकिन हाँ, हम अपने आप को कहां पाते हैं, कहां समझ पाते हैं और कहां जाना है, तो इस श्रेणी में उत्कृष्टता की दृष्टि में भी अपने आप को, हमारा हर इंसान का एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक अपना एक लक्ष्य होता है और बनाना भी चाहिए। जो आदमी इस लेवल की सोच वो जो समझदारी में चलता और इस ये लक्ष्य अगला नया निर्धारित करता रहता है तो निरंतर अपने जीवन की एक विकास धारा में, एक उन्नति की धारा में, एक प्रोग्रेस की लाइन में निरंतर वो आगे बढ़ता चला जाता। क्योंकि इसके जो मानक हैं, चाहे वो शिक्षा हो, सर्वगुण संपन्नता हो, अपनी जजने में अपने जाम त्रुटि कर रहे उनको करेक्ट करने का हो, सारे लेवल जब लेवल की हम इंसान सूझबूझ रखता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट करता वो बेहतर से बेहतर बनाता ही चला जाता है। क्योंकि श्रेष्ठता की श्रेणी में, ठीक उच्चता की श्रेणी में, महानता की श्रेणी में वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और हमें ऐसा नया लेवल तैयार करता है। हमारी ये पूरा प्रयास है, मेरी पूरी प्रक्रिया, मेरा पूरा बिहाव ये तय करता है मेरे प्रयास कि हम किधर जा रहे हैं। और जा उधर ही रहे थे जिधर हमने लक्ष्य बनाया होता है। जब ये चीजें जो कहते हैं कि इंसान का जिंदगी का जब कोई लक्ष्य नहीं होता किसी क्षेत्र का तो कहीं ना कहीं जीवन में भटकाव जैसी चीजें आ जाती।
हमने एक लक्ष्य पार कर लिया तो अगले लक्ष्य पे, फिर अगला लक्ष्य, फिर अगला लेवल, अगला लेवल, ये जब बनाते चले जाते तो जीवन में हम जो भी जहां पर हम भटकाव की स्थिति में नहीं आती। भले ही लक्ष्य को हम ना पा पाए, कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, थोड़ा बहुत त्रुटि रह जाए, पीछे बैक हो जाए, बट हम अपनी जीवन के भटकाव से नहीं आ सकते। हम जिस मार्ग पर चल रहे उसी पर चलेंगे, हम जहां नहीं जाना चाहते वहां कभी नहीं जाते। जीवन की ये व्यक्तिगत मैं बात कर सकता हूं, इसके साथ इंसान जब कोई काम करता हो, कहता ना कि वो काम उनने सर्वश्रेष्ठ करके दिखाया, बेहतरीन करके दिखाया, मानसम वर्क करके दिखाया, यानी उत्कृष्ट काम करके दिखाया, वो मेरा वर्क भी हो सकता है, उस क्षेत्र में भी हम जा सकते हैं। कोई भी किसी एंगल में हर जगह हर पॉइंट को एक मानक के तौर पर अगर सबसे पहली बड़ी उपाधि हो सकती है तो वो उत्कृष्टता हो सकती है। इसमें आपकी शिक्षा भी आ जाएगी, अनुभव भी आ जाएगा, सूझबूझ भी आ जाएगी, समझदारी भी आ जाएगी, प्रयास भी आ जाएंगे, सभ्यता भी आ जाएगी, मर्यादा भी आ जाएगी, संस्कृति भी आ जाएगी, सब कुछ आपका समाहित हो जाता और आपका उसके प्रति किए हुआ डेडिकेशन के साथ में, समर्पण भाव के साथ में आपका किया हुआ प्रयास भी आ जाता। और जब एक उत्कृष्टता की लाइन में हम अपने आप के नए अपने टारगेट सेट करते जाते तो कहते ना कि जीवन एक मानतम की ओर ले जाता, वह कार आपकी एक मानतम उपाधि की तरफ ले जाता। और जिस दिन आपकी कार में, आपकी व्यवहार में, आपकी समझ में, आपकी प्रोग्रेस में उत्कृष्ट जैसा शब्द लोगों के द्वारा अगर आने लगे कि ये कार आपने उत्कृष्ट किया, आपका स्वभाव उत्कृष्ट रहा, आपका ये वर्क, आप जो लेवल है, आपने उच्च क्वालिटी का काम किया, उत्कृष्ट आप रहे, तो इसके आगे फिर कोई और मानक नहीं होता, ये कोई उपाधि नहीं। ये क्यों आता हुआ, कैसे आता है इस लेवल पे, हमें आपको बड़े लेवल पे अफर्ड करने पड़ती है, बड़े लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, बड़े लेवल की सूझबूझ, बड़े लेवल की तपस्या करनी, और बड़े लेवल पे हमें आपको तपना भी पड़ता है। आज इस दुनिया में, इस धरा पर जितने भी हम मानतम काम महान लोग देख रहे हैं, हर इंसान ने अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया होगा। जब उत्कृष्ट बनाया उसके बाद में उनके उत्कृष्ट काम हुए, फिर उनके व्यवहार से ये लोगों ने पाया कि ये उत्कृष्ट काम कर रहे। उत्कृष्टता दो प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू अरस्तु। उन्होंने इस बात को, चूंकि अरस्तु एक फिलोसफर भी हुए, विचारक भी हुए, उन्होंने ये बात कही है कि दो तरह की होती है, एक होती है बौद्धिक और एक होती है नैतिक। बौद्धिक स्तर से जब इसको देखा जाता है, सबसे पहले हम ये ध्यान देखते, बौद्धिक स्तर से जब इसको देखा जाते तो मुख्य रूप से बौद्धिक उत्कृष्टता में का जन्म और विकास शिक्षण के कारण होता है, जो कि इसके लिए अनुभव और समय की आवश्यकता होती है, जबकि नैतिकता एक आदत के परिणाम स्वरूप आ जाती है। आदत या नैतिकता मतलब एक हमारी आदतें कहां बनती है, मेरे व्यवहार से, मेरे कार्यशैली से, और वो कब होता है, जब मेरे ब्रेन में जो चीज होती है, मेरे विचारों में होती है, मेरी सोच में होती है, जो ब्रेन में मेरे चल रहा होता है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, तो वही चीजें मेरी ऑटोमेटिक मेरी क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया में आ जाती, मेरे व्यवहार में आ जाती। जैसे गायत्री मीम जी का ये बहुत बड़ा स्लोगन मैं अपनी लाइफ को मानता हूं, बहुत बड़ा सबक देता है, वाणी बर्तन व्यवहार, भाषा शैली आपकी, बर्ताव लोगों के प्रति में, क्रिया प्रतिक्रिया आपकी, रिएक्ट, और उसके बाद में व्यवहार, एक कॉम्बो मिला दे तो कहीं ना कहीं एक आपको एक अलग दृष्टि की तरफ ले जाता। जब बौद्धिक स्तर पर हमें यह देख पाते हैं कि अपने आप को शिक्षण के साथ में होता है, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन का प्योरिटी देना होता है, शिक्षा को। आज मैं ज्यादातर लोगों में यह देख पा रहा हूं, हम लोग एक चूक कर जाते हैं, टारगेट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हम लक्ष्य ले लेते हैं, सब कुछ अपना शौक बना लिया, हमने ये बना लिया, बट उसके प्रति एजुकेशन का कहीं ना कहीं सबसे पहले वीक पॉइंट रहता है। मैं कहता हूं कि कोई भी आप माना कि क्लास या कोई भी चीज पार करनी हो, उसके लेवल की उससे उच्च क्वालिटी की आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आपको बिना एजुकेशन के आप उसको फाइट नहीं कर सकते, आप उसका सामना नहीं कर सकते, उसका फेस नहीं कर सकते हो, और जब तक आप उसको उसकी यानी कि अग्रेसिव की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हो बिना एजुकेशन के, जंप नहीं, आप जंप करने से कभी सक्सेस नहीं पा सकते हो, शॉर्टकट रास्ते से कभी ये नहीं पा सकते हो। एजुकेशन ही हर कामयाबी की एक जड़ बुनियाद होती है। एजुकेशन नहीं होगा आपका ब्रेन मजबूत नहीं होगा, ब्रेन मजबूत होंगे नहीं, प्लानिंग नहीं बनेगी, सारी चीजों का आप फेस करने के लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे।
इन चीजों को जब हम देखते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। उत्कृष्टता के सीधी सी बात, एक उन्होंने साफ कहा है कि एक मानदंड, और मानदंड के लिए सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है अपने आप में कि संदर्भ या ढांचा देने के लिए उत्कृष्टता के मानक के लक्ष्य नहीं जिन्हें हासिल किया जाना चाहिए, परिणाम संकलित होने पर निर्णय लेने की उपयोग किया जाता है। जब इसके परिणाम आ जाते हैं ना कि आपने उत्कृष्ट काम किए या नहीं किए, तभी आप इसको देख पाते हैं किस लेवल पे आप कर गए वो वर्क। श्रेष्ठता जैसा शब्द यू ही नहीं आ जाता, मानतम जैसा ऐसे नहीं आता, सबश्रेष्ठ जैसा ऐसे नहीं आ जाता है। जब ये चीज लेबल की जाती है पहले तो अच्छा होता है, फिर बहुत अच्छा होता है, फिर बेहतरीन होता है, तो बेहतर से जब बेहतरीन की तरफ जाते हैं उसके बाद में श्रेष्ठता का बात आती है। तो आपके पराम चारों तरफ से ये बेहतर जाते हैं तब आप सर्वश्रेष्ठ कहलाए जाती है, उत्कृष्टता की ये मानक आप पार करते। उत्कृष्टता का एक अभिप्राय ध्यान देने योग्य उल्लेखनीय प्रमुख उत्कृष्ट विशिष्ट प्रभावशाली का मतलब नोटिस या ध्यान आकर्षित करना होता है। हर व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द जो आप पे निगाह कर रहा है कि आपके चारों तरफ से आपको नोटिस भी कर रहा है, आपकी एक एक प्रतिक्रिया का अच्छाई बुराई को जज कर रहा है, वो क्लियर कर रहा है कि किस लेवल पे यहां पर आपका क्या पॉइंट जा रहा है, आपके क्या व्याप हो रहा है, किस लेवल की आपकी गुणवत्ता आ रही, क्या क्वालिटी आ रही है, किस लेवल पे आपको अपने आपको पहुंचा पा रहे, क्या तौर तरीके आपकी आ रही है, किधर आपका ध्यान जा रहा है, किन चीजों को आप फेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसके लिए कितना आपका डेडिकेशन जा रहा है, क्या तैयारी आपकी जा रही है, ये सारी सब चीजें आपका एक लिखी जाती है। और आप जिस वे में चलते हो ना वो वेद बता देता है कि आप कहां तक पहुंचने वाले। उसके बाद आप जब अपना लक्ष्य बना के चल रहे होते तो आपके खुद के अंदर एक अलग एनर्जेटिकपन और वो आपकी स्पीड और आपके तौर तरीके बताते हैं कि आप कितनी स्पीड में और किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। समझने की बात है, हर एंगल से हम लोग देख पाते हैं कि आज का जो जैसे दौर है किसी भी एंगल में, मैं कहता हूं कि चूंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है देने के लिए, आज हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करें ऑन पैसे परिवार की, हम सब फाउंडर पार्ट ऑफ ऑन पैसे की बात करता हूं, फाउंडर मेंबर की बात कर रहा हूं। आज के हालात जिस सीन में जो है, एक बड़ा एक क्राइटेरिया, एक बड़ा एक समुदाय मैं कह सकता हूं अपने हम सबका एक कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एक अलग जा रहा है। और जो एक लोग इस लेवल पर समझ पा रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं अपने इस समय अपने बिहार व्याप की, अपनी प्रतिक्रिया की, अपनी कार्यशैली की, एक कहता हूं कि एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने के लिए अपने एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अपना वो दृष्टि से देख पा रहे हैं कि ये चांस मेरा क्या है, ये वक्त क्या है, कहां पे हमें किस तरह यूटिलाइज करना है, इसको अपने आप को बेहतरीन बनाने का, बेहतर बनाने का, सर्वश्रेष्ठ बनाने का, या अपने आप को अपनी क्वालिटी में एक उत्कृष्ट क्वालिटी लाने का। और कुछ लोग एक अलग दूसरे वे में जा रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें आपकी एजुकेशन और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में किस चीज को किस लेवल से जज कर रहे, किस लेवल से, किस नजरिए से आप देख रहे हो, किस लेवल पे देख रहे हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता हो। चूंकि जिस लेवल पे देख रहा हो उसी लेवल पे आपका ब्रेन काम करेगा और उसी लेवल पे आपके विचार आएंगे, आइडिया आएंगे, वो फिर प्लानिंग बनेंगे, उसी लेवल पे आप वर्क कर पाए। ये डिपेंड करता है सारी चीज, जैसे आप बहुत सारी चीजें आप बहुत सारे सेशन में टॉपिक बात कर चुके कि आप ये अपने आप को तब उस लेवल पाते हो कि आप अपने आप को किस लेवल में डिजर्व कर रहे हो, और डिजर्व करने के लिए किन किन चीजों को आप फॉलो कर रहे हो, किन किन चीजों से पे आप कवर कर रहे हो, एजुकेशन, संगत, सोसाइटी, ठीक, या किन लोगों से आपका मेल मिलाप, ये मतलब बहुत सारी चीजें इनमें आ जाती है। बात उत्कृष्टता की, और उसके बाद आपका अगला लक्ष्य, मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्कृष्ट वर्क या उत्कृष्ट क्वालिटी हम सबके सामने, हम सबके चाहते प्रिय जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग आज इकट्ठे हो पाते, ऑन पैसे सीओ मिस्टर एस मुफारा सर, चाहे वो उनकी पर्सनल क्वालिटी को लेके, पर्सनल सोच को लेके, नए लक्ष्य को लेके, या वर्क को लेके,
एक माना तकाता है, अगर आदमी ये कहने से चूक नहीं पाएंगे हम आपको कि ये उच्च क्वालिटी का, यह कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ, या कहता हूं महानतम कार्य, या कहता हूं उत्कृष्टता का काम कर रही। क्यों? कि वो सारी चीजें जो एक उत्कृष्टता के लिए होनी चाहिए वो आपके अंदर सारी चीजें समाहित हैं और उसको प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस में आप कर पा रहे और कर भी रहे। उत्कृष्टता की श्रेणी में एक नया, आपका हमेशा एक नया लक्ष्य रहता है और नए लक्ष्य पर नजर पड़ते जाते हैं। सारी चीजें सारे एंगल से आप बड़े लेवल पर तैयारी करेंगे, जैसे जैसे आपको चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को हमेशा आपने छोटा करने की कोशिश करी और बड़ा टारगेट के साथ में, बड़ी तैयारी के साथ में, और उनका आप बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी तैयारी के साथ में उस लक्ष्य को छोटा करते गए और उसको सॉर्ट आउट करते गए और आगे बढ़ते गए। शुरुआत कहीं और से की थी और कुछ उद्देश्य के साथ में की और करते करते वहां पहुंच गए जहां लोगों की कभी सोच नहीं हो सकती है, वो कर दिखाया और वहां तक पहुंचे। मैं पिछले एक सेशन में कुछ समय पहले बोल चुका हूं, अगर सीखने और देखने और समझने की बात है हमारे आपके लिए एग्जाम्पल है तो एस सर एक अपने आप में चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, जीता जागता उदाहरण है। मैं कहता हूं तो यूनिवर्सिटियों को भी अगर कॉम्बो किया जाए तो वो भी एस सर में। किसी भी एंगल से देखो, सारे एंगलों से, सारे मानकों से, सभी तरह से अपने आप में उत्कृष्ट व्यक्ति है, चाहे वो विचारधारा हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे उनका व्यवहार हो, किसी भी एंगल से आप देखो, चाहे वो एजुकेशन हो। और एक नए लक्ष्य की बात करें, शायद है कि अभी तक मैं कह सकता हूं कि इस धरा पर कोई ये व्यक्ति नहीं बना जो इसलिए बिल्कुल सोच और समझ रख रहा हो जो ऐसे डिजर्व करते हैं, वो क्वालिटी में आती। हम ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी क्वालिटी के सानिध्य में वर्क कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं ऐसी लीडरशिप में हमें वर्क करने का मौका मिलता है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी लीडरशिप को हमें सुनने का मौका मिलता है, एक एक सब की गहराइयों पर जाने पे तंगे, सारे बिहाव की तौर तरीकों को समझने की जरूरत है, सारे एक्टिविटी की एक लेवल को जज करने की जरूरत है, बट एक अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी क्षमताओं के ऊपर होता है कि हम किस समय पे क्या देख पा रहे हैं। और जब हम जिस लेवल पे देख पा रहे हैं उसी लेवल से हम अपने आप को डिजर्व कर पा रहे हैं, उसी लेवल पे अपने आप को हम तैयारी कर पा रहे हैं और उसी लेवल पे अपना हम अपना लक्ष्य बना पा रहे हैं। जीवन में हमें अपने आप को, ये जीवन सबको मिला अनमोल है, खुली पूरा आसमां है, पूरा जमीन बाकी है, हम जितना चाहें अपने आप को कहां पाते हैं ये मेरे ऊपर सोचो समझ के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं कोई चीजें मायने रखती, नहीं कोई मायने रखता, कोई आपका इर्द गिर्द कोई बैरियर्स, बस आप अपनी आपकी सोच और समझ के ऊपर डिपेंड करता है अपने आप को मेंटेन करता। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत कुछ टॉपिक पे बोलने के लिए है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, काफी कुछ मैंने समय कवर किया, तो समझने की जरूरत है, अपने आप को कवर करने की जरूरत है, अपने आप को उत्कृष्ट बनाने की जरूरत है और अपने आप को बना लीजिए, ये गोल्डन टाइम है और जीवन ये खुला आसमा है, जहां चाहो वहां तक पहुंच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं अपनी वाणी पे, ये विराम देता हूं, आप लोगों ने इतना हमें समय दिया और गंभीरता से सुना। मेरा एक हरगिज प्रयास रहा है कि इस टॉपिक से संबंधित अपने अपनी सूझबूझ और समझदारी, अपनी क्षमता से जो मैंने दे पाया मैंने आप सबके प्रेजेंट किया। इस टॉपिक में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कम ज्यादा रहा तो हमारे बहुत सारे स्पीकर हैं, वो अपने आज इस अपनी वाणी से इस टॉपिक को पूरा करेंगे। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू विकास सर। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज के टॉपिक पर आपने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया, डेफिनेटली बताया कि एक्सीलेंस क्या मायने रखती है और ये एक्सीलेंस कैसे आ सकती है और क्यों जरूरी है, इन सभी बातों पर आपने मूलभूत बातें की हैं, विचार दिए हैं आपने, कहीं ना कहीं पेशेंस या एजुकेशन की बात की है, बिल्कुल सही बात है, पेशेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी रखता है हमारी एक्सीलेंस के लिए और एजुकेशन का तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो एक आदतें होती हैं जिनको हम सफल आदतें कहते हैं उनको विकसित करना होता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातों पर आपने अपने विचार दिए, बहुत सारे पॉइंट्स लिए, आपकी इस ऊर्जावान प्रस्तुति के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ
और निश्चित है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे विद्वान लोग हैं यहाँ पर पैनल में, और जिनके पास भी एक अच्छे विचार होते हैं, तो डेफिनेटली उत्सुकता है सभी के विचारों को जानने की। और निश्चित है सेशन बिल्कुल ज्ञानवर्धक है और टॉपिक भी रुचिकर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए, सक्सेस और एक्सीलेंस, कहीं ना कहीं देखिए, सक्सेस होने का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर एक एक्सीलेंस है, और एक्सीलेंस होने का मतलब यह नहीं कि आप सफल ही होंगे। जहां तक मेरा विचार है, सफलता का उद्देश्य कहीं ना कहीं लक्ष्यों को प्राप्त करना है या उनको खोजना है। और ये इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि समाज सक्सेस से आपका एक, जिस आप समाज सोसाइटी कम्युनिटी में रहते हैं, वहां पर आपका एक महत्व बढ़ता है और आप कहीं ना कहीं उन चीजों को, आयामों को छू लेते हैं। और एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का असर किसी की काम में, किसी काम में या किसी प्रयास में जो गुणवत्ता की खोज है, चाहे वो उसमें जो हमारा कल्चर्स है या वो जो जो एथिक्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हो या न कर पाते हो। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक अच्छा विषय है। तो निश्चित सेशन बिल्कुल ज्ञानवर्धक हो चुका है, और यहाँ पर पैनल में यहाँ पर साहिन हसन जी हैं, मैं बहुत ही सादर सहित, सम्मान सहित उनको इन्वाइट करूंगा आज के सेशंस में, आज के इस टॉपिक पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिए। तो आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल प्रेजेंटेशन एज यूजुअल जेपी सर, बहुत जबरदस्त, हमेशा की तरह बहुत अच्छी आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो थी। एंड सबसे पहले तो गुड इवनिंग जितने भी हमारे लोग यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, सभी का नई दिशा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। बिल्कुल थोड़ा सा हटके लगा लगा कि हम बहुत सारी टॉपिक हमारे रिपीटेशन जस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। क्योंकि जब हम सक्सेस अचीव करते हैं तो बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं वो भी कई बार एक जैसे आते हैं, अरे अभी तो ठीक किया तो ये वाला प्रॉब्लम फिर आ गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। या जब हम खाना बनाते हैं तो एक ही रेसिपी होती है, मसाले एक ही होते हैं, लेकिन खाना हर बार अलग अलग बनता है। तो सिर्फ बताने का मतलब ये कि आपकी जो मेहनत है, जो चीजें हैं, हम उस टॉपिक पे यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करूंगी बस शॉर्ट में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जरूर मोदी सर को थैंक्स कहूंगी कि इतने अच्छे टॉपिक्स पे हमें अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है। जो टॉपिक हमने कभी सोचे भी नहीं थे, कभी पढ़े भी नहीं थे, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीजें इतनी मैटर करती है हमारी लाइफ में, लेकिन वाकई में दोस्तों यहाँ नई दिशा में आकर के इसका पता हमें चला कि हमारी लाइफ के लिए कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे हैं, हमारे माइंड को भी डेवलप कर रहे हैं, हमें भी डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट खाली यही नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ हो, हमारा वर्चुअल मतलब फिजिकल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड ग्रोथ। और माइंड ग्रोथ के साथ ही आपकी ये सारी चीजें जुड़ी हुई है एक के साथ एक। इतने सारे हमने माइंड सेट के टॉपिक अभी हम सुन भी रहे लगातार, तो बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा मुझे भी लगा तो मैंने दे दिया। इसलिए एक्सीलेंस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। ध्यान से समझिएगा, कुछ ही थोड़ी ही बात करूंगी लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। एक्सीलेंट एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जो कि लगातार चलता रहता है। एक्सीलेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है, जिसमें आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोग यही सोच के कुछ नहीं करते ना, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ऐसा हो गया तो ये क्या होगा, जैसे हमने नेगेटिविटी पे बात की थी। तो बिल्कुल अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेलियर के चांसेस ही नहीं होते जब आपका विजन एक्सीलेंस को लेकर होता है। अपने जो पास्ट है ना आपका, उसे कभी भी ये मत सोचिए कि मैं, मेरे पास्ट में ये हो गया, कभी भी शर्मिंदा मत होइए अपने पास्ट को लेकर के। लेकिन अपने प्रेजेंट को लेकर के हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। आज की डेट में आप जो भी हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, चाहे आप नई दिशा में हैं तो भी, नई दिशा में नहीं है तो भी। तो जस्ट उसको अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल से हैंडल कीजिए जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है। और फिर जो आपका फ्यूचर है वो बिल्कुल बिना डरे आप उसे आगे बढ़ सकते हैं, फ्यूचर में आप पहुंच सकते हैं बिना डरे हुए। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपने जो अब की, अगर हम इसको इस तरह से समझ लें, जहां आप आज है दोस्तों, आज हम जिस डेट में है, जहां पर भी हम सब नई दिशा में है आज, तो ये क्या है, ये हमारे कल की मेहनत थी जो हमने कल की थी, यानी कि हमारे पास्ट में जो हमने मेहनत की थी उसका फल क्या है, आज हम नई दिशा में हैं। और आज जो हम हैं नई दिशा में, उसका फल हमें कब मिलेगा, कल, यानी कि हमारे फ्यूचर में मिलेगा। क्या फल मिलेगा कि हमारा एक, हमारी एक पहचान बनी, हमारी एक विजुअल, लोग हमें पहचानते हैं, वर्चुअली लोग पहचानते हैं, फिजिकली लोग पहचानते हैं, लोग हमें जानते हैं कि कौन शाहीन है, कौन जेपी सर है, कौन विकास सर है। तो आपकी एक जो फ्यूचर की पहचान बनी,
वो आपके आज के प्रेजेंट से बनी। तो तीनों ही चीजें बहुत स्ट्रांग है, जो कहते हैं ना हमारा पास्ट चला गया, अरे आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया होगा जो आज आपको अर्न पैसे मिला। आप सोचिए ये बात लॉजिकली कि आपने कुछ अच्छा किया होगा तब आपको अर्न पैसे मिला। कल आपने अर्न पैसिव को लेके एक अच्छा डिसीजन लिया तो आज आप नई दिशा में बैठे हैं। आज आप नई दिशा में बैठे हैं तो कल आपको एक और रिकॉग्निशन मिलेगा, आप स्टेज पर जाएंगे। जैसे मोदी सर कहते थे हम लोग जो है जाकर के फिजिकली सेशंस लिया करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ जो मेरे माइंड में है, क्योंकि बहुत सारी बातें देखिए जेपी सर ने बताई अपने तरीके से, उनका जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। तो लोग चाहते तो हैं दोस्तों कि आप सक्सेस हो, लेकिन कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा सक्सेस हो। समझ रहे हैं आप? लोगों का ये होता है भाई सामने वाला सक्सेस हो जाए अच्छी बात है, हम भी चाहेंगे सब लोग सक्सेस हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा सक्सेस हो, सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा। बल्कि बस फैमिली में भी सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहेंगे जो कि आपको अपने आप से ज्यादा सक्सेस होते हुए देख सकते हैं। तो यदि आपने सपना कोई देखा है तो डेफिनेटली आप उसे पूरा करने की भी हिम्मत रखते हैं, तभी आपने वो सपना देखा है। सोचिए मत दोस्तों, शुरुआत कीजिए एक नए जीवन की, एक नए लक्ष्य को लेकर के जब आप शुरुआत करते हैं तो उसको आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ यानी कि अपनी पूरी ताकत जो है उसमें लगा दीजिए। इसीलिए कहते हैं अपनी ताकत को पहचानिए, आपकी जो पावर है वो कैसी है, वो एक आपका मतलब आपकी जो विल पावर कह लीजिए या पावर कह लीजिए, वो जब ही काम करती है जब आप पूरी तरह से अपने आप को एक चीज में झोंक देते हैं, रात दिन उसके ऊपर मेहनत करते हैं। और अगर मैं सिंपली बात करूं, सक्सेस इज बॉर्न ऑफ स्ट्रगल। सक्सेस कब पैदा होती है? जब आप स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में स्ट्रगल आते रहते हैं और उसको क्या है, स्ट्रगल को लीड, सक्सेस को लीड करता है स्ट्रगल, क्योंकि सक्सेस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी तो हम लीड कर रहे हैं ना उसको। हमारे जो चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने जिंदगी भर आते रहते हैं, उन्हीं से तो लड़ लड़के हम आगे बढ़ते हैं ना, तभी तो हम जाकर के कहीं सक्सेस होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी बस, अचंपा मैम की वो जाती है, मुझ में भी आने लगी अभी थोड़ी थोड़ी स्टोरी के साथ बात करने की एक्टिविटी। तो सिंपल सी छोटी सी स्टोरी है, अगर हम जीवन में दोस्तों कुछ भी सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिपेंड ये है कि हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो होना चाहिए। अगर हमें सीखना ही नहीं है तो कितना भी बड़ा कर लें आपके सामने, कितना भी कुछ करके दे दें, किताबें पढ़ दें आपके सामने, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। लेकिन अगर किसी को सीखना है तो वो इस स्टोरी से भी सीख सकता है, आज के सेशन में जितने भी लोग हैं। तो स्टोरी है बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की स्टोरी है बहुत छोटी सी। एक इंसान जो है एक बटरफ्लाई के जो है प्लांट के सामने बैठा होता है। बटरफ्लाई का प्लांट क्या है, एक कुकून जो कि प्लांट होता है, इसका फ्लावर होता है, उसमें बटरफ्लाई रहती है। तो वो बेसिकली उसका सुरक्षा कवच होता है जो उसके अंदर वो रहती है। लेकिन देखा, वो चाहता था कि मैं देखूं ये बटरफ्लाई इससे कैसे निकलेगी तितली बाहर और कैसे ये उड़ेगी, मैं इसको उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। वो बहुत देर तक बैठा रहता है उस फूल के आगे, उस कुकून के आगे। तो वो देखता है कि तितली जो है बाहर निकल रही है, उड़ रही है और उड़ते मतलब कोशिश कर रही है वो किस तरह से बाहर निकले उस फ्लावर के अंदर से। अब विजुअलाइज कीजिए कि तितली फ्लावर के अंदर है और वो कैसे स्ट्रगल कर रही है वहां से निकलने के लिए। वो हाथ पैर मार रही है, वो खींचातानी कर रही है, मतलब अपने डंक मार रही है कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो नहीं निकल पा रही। सिर्फ समझने की बात यह है जहां मैं समझाना चाह रही हूँ, स्ट्रगल को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे क्या हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उनसे उनको हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो तितली को बोलते हुए देखना तो चाहता था, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि तितली वहां से निकल ही नहीं पा रही थी फ्लावर में से। थोड़ी देर बाद ना उस इंसान को तितली के ऊपर दया आ जाती है, सोचता है ये नहीं, उसने देखा तितली जो है एकदम रुक गई, मतलब वो बिल्कुल साइलेंट हो गई, ना उसने अपने हाथ पैर मारे। फिर वो समझ में ही आया उसको कि ये शायद थक गई है तितली और इसने ना अपना स्ट्रगल जो ये कर रही थी इसने छोड़ दिया है। वो बिल्कुल मतलब जस्ट स्टॉप हो जाती है और जब स्टॉप होने के बाद वो देखते हैं कि ये शायद ये थक गई है, तो वो क्या करता है, कैंची लाता है और जो कुकून का जो प्लांट होता है ना उसका आखिरी हिस्सा काट देता है। जैसे ही वो काटता है तितली फट से बाहर निकल जाती है, एकदम से बाहर निकल जाती है। अब एकदम से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, वो देखते हैं तितली उड़ नहीं रही, समझ रहे हैं, वो तितली उड़ती नहीं है। और उड़ने के जब वो तो चाहता था तितली उड़े, लेकिन वो देखते हैं तितली का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, छोटा लगता है उसको, लगता है ये तो तितली बाहर निकल के तो भाई बड़ी हो जाती ना, वरना तो नॉर्मली वो पंख सुखड़े हुए हैं उसके। लेकिन दोस्तों जब वो बाहर नहीं निकल करके वो छोटी दिखती है ना, वो अपने परों को हिला पाती है, क्यों? यहाँ है बात समझने की, तितली अपनी जो कोशिश है उसको बंद करने के बाद मानो वो हार सी गई, ऐसी हार गई कि बाहर निकलने के बाद वो छोटी भी हो गई। जबकि कटने के बाद उसका जो कुकुन का पौधा कटा उसके बाद जब वो बाहर निकली तो वो छोटी भी लगती है और वो अपने परों को भी नहीं हिला पा रही थी, क्यों? क्योंकि उस इंसान को शायद ये नहीं पता था कि ये जो उसके वो अपने परों के साथ स्ट्रगल कर रही है, ये जो अपने कुकुन के फ्लावर से वो बाहर निकलना चाह रही है वो नहीं निकल पाई और उसकी वजह से क्या हुआ, उसने उसको काट दिया।
कुकून को काटने के बाद जब वो देख रहा है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर उसको बड़ा अफसोस होता है कि मैंने काट दिया, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था ये कुकून का प्लांट की अगर ही अपने आप से निकलती। माइक किसी का ऑन है आई थिंक। थैंक यू सो मच। तो वो जब बाहर निकलती है तो वो देखता है कि भाई अब ये तो उड़ ही नहीं रही, अब क्या करूं मैं। तो आप सिर्फ बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब वो कुकून के प्लांट के अंदर अपना स्ट्रगलिंग टाइम था उसका, वो स्ट्रगल कर रही थी, बार बार अपने हाथ पैरों को खोल रही थी, हाथ पैरों को कोशिश कर रही थी खोलने की, क्योंकि वो प्रकृति का नियम था। वो पावर उसको कहां से मिल रही थी, वो ऊपर से उसे पावर मिल रही थी, और अगर वो वहीं से वो खुद खोल खोल के निकलती उसको, मतलब फ्लावर को पूरा खोल देती तब वो बाहर निकलती, तो डेफिनेटली जो उसके पर थे वो जो सुकड़े हुए थे वो खुल जाते और वो बाहर निकल जाती और वो लंबी खुली हवा में सांस लेती। लेकिन आज वो खुली हवा में तो आ गई दोस्तों, लेकिन ऐसे हो गई जैसे उसके पर काट दिए गए। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी लाइफ है। आप समझिए हमारी लाइफ में भी क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं अपने कोई भी काम चाहे हम कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग आपको बिल्कुल मत बताइए कि आप जो है ये आप बहुत परेशान है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई परेशानी आ गई, मैं सबसे कहती फिर रही हूँ क्या कोई मेरी हेल्प करेगा, मजाक उड़ाएंगे चार लोग तो, और चार लोग के बाद पांचवे बंदे को दया आ भी गई अगर मेरे ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन उस टाइम वो आपकी हेल्प जरूर कर देगा, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए वो आपके हाथ तक काट देगा। काट देगा इन सेंस कि आप बिल्कुल अपाहिज से हो जाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ मोटिव ये है कहानी का कि आपकी टाइम जो स्ट्रगलिंग टाइम है उसको कभी भी पीछे मत छोड़िए, हमेशा अपनी लाइफ में दोस्तों स्ट्रगल करते रहिए, और स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप भी खुद ही अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमेशा अपने विजन तक पहुंचेंगे, अपने मिशन तक पहुंचेंगे, अपनी एक बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आप उसको लगातार करते हुए आगे बढ़ गए। शुरू में ही मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आपको जो एक्सीलेंस है तो वो लगातार एक ऐसा प्रोसेस जो लगातार चलता रहता है, उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, रुकावटें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन आप जो है वहां पर रुकते नहीं है, आप लगातार बढ़ते हैं और अपनी सक्सेस को अचीव करते हैं। सो थैंक यू सो मच विकास सर, इतना ही बताऊंगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सैन मैम, आप सच विकास सर की आवाज नहीं आ रही है। ओके विकास सर की आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो गया। संपा मैम आप प्लीज ले लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू शान जी, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल भी दिया और स्टोरी भी कहा, तो आपने सही स्टोरी कहा। हम इंसान को अगर ऐसे ही उसको स्ट्रगल नहीं करने देंगे तो वो उसको अपाहिज ही करना होता है। तो ऐसे और बटरफ्लाई के बाद बात जो कही ना आपने वो सही बात, ये मेरे साथ ही हुआ था। मैं खुद ऐसा इसका जीता जगता एग्जांपल हूँ। बटरफ्लाई को मैं ऐसे कोशिश कर रही थी कि उसको बाहर नहीं निकल पा रहे तो मैं उसको बाहर निकाल दूं। मैं इसको बाहर निकाल दिया तो थोड़ी देर बाद वो उड़ नहीं पाए, मर गए। तो मुझे समझ में आ गया था जो उसका खुद का प्रयास वही है जो उसे तोड़ के वो बाहर आते, तभी वो स्ट्रांग भी बनता है और एनवायरनमेंट से वो एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसलिए हमें मदद जरूर करना चाहिए इंसान को, लेकिन ऐसा मदद नहीं करना है जो उसको एकदम बेकार कर दे। तो बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दिया है, थैंक यू शायन जी। Thank you so much. मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगी, मम्मी थैंक यू सो मच, वेलकम जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज एक बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है कि उत्कृष्टता का लक्ष्य, इसके ऊपर हमारे जेपी सर ने माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया।
और हमारे विकास सर ने भी उन पे फीडबैक दिया, हमारी शाहिन मैम ने तो एक स्टोरी सुनाई है ना, स्टोरी के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया कि उत्कृष्टता का लक्ष्य क्या है, क्या है हमारा लक्ष्य, में हम क्या ऐसा कार्य करें है ना, उत्कृष्ट कार्य हमको करना है, निरंतर प्रयास करना है, निरंतर मेहनत करनी है, हमको डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर है ना, हमारे कार्यों पे हमको विश्वास होना चाहिए। बहुत बार सामने वाले हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा, लेकिन उनको करने के लिए मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए वो कार्य करने के लिए है ना, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो गुण है ना, वो कर सकता है, उन पे विश्वास करिए, तो तब जाके वो कार्य को संपन्न कर सकता है। वरना जैसे मैम ने जो चिड़िया की स्टोरी बताई कि वो अपने आप बाहर आ जाती, लेकिन उनकी हेल्प कर दी, उनकी हेल्प नहीं की, वो चिड़िया की हेल्प नहीं की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा सोचा उनके बारे में कि वो फंसी है तो चलो मैं उनको छुड़वाता हूं, सोच अच्छी थी लेकिन धैर्य नहीं था कि उनको प्रयास नहीं करने दिया, तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद की और खुद को भी अफसोस हुआ कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोई कर रहा है उनको आप एनकरेज करिए, इनकरेज करिए, वो परिस्थिति में उनको वो समय दे कि वो कर सकता है, उसका विश्वास करिए। और वो जो लक्ष्य जो पाना चाहता है, बहुत बार बच्चे बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनका बहुत बड़ा गोल होता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद पे विश्वास करके वो कार्य करना चाहता है, उनमें वो काबिलियत भी होती है, उनमें वो बच्चे में वो काबिलियत भी होता है, और वो कार्य करने के लिए वो सफिशिएंट नॉलेज भी रखता है कि वो अगर मुझे क्रिकेटर बनना है, बच्चा चाहता है कि मुझे क्रिकेटर, क्रिकेटर के बाद क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी लगता, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो होता है ना, ये बहुत मतलब हमको हमेशा विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा कार्य कर, देखिए सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है, लेकिन असफलता है ना हमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हमको एक कहते हैं ना शिक्षा दे जाता है। असफल जब हम होते हैं ना, जो कार्य में हम सफल नहीं होते ना, तो वो कार्य हमको कुछ सिखा जाता है कि नहीं यहां मेरी गलती हो गई तो हमको ये सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारे जय प्रकाश सर ने माइंड ब्लोइंग दिया, जेपी सर ने, तो थैंक यू, ओवर टू हमारी बिटिया रानी। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छे कहा आपने। सफल इंसान बनने के लिए जो क्वालिटी हमें चाहिए वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो सफल मतलब देखिए, कोई पैसे से कोई धनवान नहीं बनता है, असली धनवान तो वो है जिसके पास मतलब बहुत खूबसूरत सोच होता है, मधुर व्यवहार होता है, सुंदर विचार होता है, जिसके पास फीलिंग्स होता है समझने का, समझाने का। ये दुनिया से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है और ज्यादा धनवान भी होता है। तो हम इंसान अगर इंसान को नहीं समझ सकते तो हम किसी भी एंगल से ही उत्कृष्ट इंसान नहीं, जैसे हमारे जेपी जी कहा ना उत्कृष्ट। तो थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है।
थैंक यू। अभी मैं धर्म सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, मेरी बड़ी भैया धर्म सिंह जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू शंपा बहन, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे विकास सर, शशिकांत जी, सरवन जी, जयप्रकाश जी, साइन बहन, वंदना जी, गायत्री बहन, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। गीता का सार है, शरीर नाशवान है, वह आत्मा अमर है। परिवर्तन संसार का नियम है, केवल कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, कर्म फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। अपने धर्म व कर्तव्य का पालन किसी प्रकार की आसक्ति ना रखें। अन्यायी कोई भी हो, चाहे संबंधी ही हो, उसका प्रतिकार करें। इसका मतलब है कि सफलता के पीछे भागो मत, सफलता केवल एक शब्द है। जब कोई अपने लक्ष्यों और सपनों को हकीकत में बदल देता है, किसी चीज में महारत हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से यह रास्ता आसान हो जाता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र चुने जिसमें आपकी रुचि ना हो, इस बात की चिंता करें कि दूसरे इसके बारे में क्या कहते हैं। आपको अपने अलावा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र में इस तरह महारत हासिल करें कि जब कोई आपसे इसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी मांगे, तो आप उन्हें एक स्पष्ट तस्वीर दे दें, जिसे उत्कृष्टता कहा जाता है। एक बार जब आप उत्कृष्टता प्राप्त कर लेते हैं, तो सफलता हमारे पीछे भागी चली आती है। थैंक यू शंपा बहन, आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धर्म जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शेयरिंग दी है आपने, अपने गीता से पार्ट उठा के बोले, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नई दिशा में आप हमारे बड़े भैया है, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम भी है। विकास जी आप आ गए क्या? यस मैम, यस मैम, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच संतो मैम, आपका जो कोऑपरेट करने के लिए। एक्चुअली मैं कुछ नेटवर्क इशू है, तो आपका कोऑपरेशन बना रहेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और बहुत अच्छी। डिपेंडेंसी एक होता है जो और आपकी आवाज विकास सर अप डाउन हो रही है। यस तो चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा रिफ्रेश करके आप बाहर निकल के फिर से अंदर आ जाइए। तब तक विनीत कुमार और गौतम जी आप आइए, वेलकम। बीके गौतम जी वेलकम। गौतम जी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अमर सिंह जी प्लीज वेलकम। थैंक यू संता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही मैम? यस। थैंक यू सो मच, आपने सादर साथ आमंत्रित किया। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम इटावा यूके से बिलोंग करता हूं, और मैं तहे दिल से सभी नई दिशा फैमिली का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह टॉपिक चल रहा है, कहते हैं ना उत्कृष्टता का लक्ष्य, ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि हर आदमी एक उत्कृष्टता के शरीर में जाना चाहता है। इसके लिए हमें प्रयास करने में अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्तर को उच्च रखना पड़ेगा,
और अपने लक्ष्य के प्रति अपने जो मानक है उनको अपने लक्ष्य में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यथार्थवादी लोग होते हैं तरीके से, हम कुछ लोगों के लिए प्रयास करते हैं और जो लोग अपने लक्ष्य को पक्का की ओर ले जाते हैं वो एक संकल्प होते हैं, अपने आप में संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। वो करते क्या है, जैसे कि वो अपने आप में सोचते हैं कि मैं जो करता हूं उसमें सक्षम होना मेरा लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, जीवन में मेरा लक्ष्य अत्यधिक उत्पादक बनना है और मेरा जो लक्ष्य कठिन चीजों को सीखने के लिए सफलतापूर्वक हमें सीखना पड़ेगा, मेरा लक्ष्य बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, जो हम अच्छे अपने प्रदर्शन अपने प्रेजेंटेशन या अपने कार्य को अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकें, मेरा लक्ष्य जो भी करूं वो दोष रहित करूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अपने अंदर की विकास की भूख बढ़ानी पड़ेगी। आप दैनिक आधार पर जो दिनचर्या होती है जो करते हैं उसमें बेहतर तरीके से हमें करना होगा, निर्धारित लक्ष्य हमारी है जो अपेक्षा है उसकी सीमा को हमें तोड़ना पड़ेगा और हमें अपने प्रदर्शन को करने के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं है, हम बहाना नहीं बनाएंगे। इस सब चीजों के लेकर के वो कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत के साथ साथ में स्मार्ट काम भी करता है और लगातार करता है। ये हम उच्चतर श्रेणी के जाने के लिए सारे प्रयत्न करते हैं और अपनी सीमाओं को भी तोड़ते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाते भी हैं और अपनी सीमाओं के साथ साथ अपनी जो क्षमता होती है क्षमता को उच्च स्तर के लिए ले जाते हैं और जीने का तरीका भी बदलते हैं। यदि आपको लगता है कि अपनी जो प्रेरणा होती है जो अपनी खोने के कगार पे होते हैं तो हम दूसरों की व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति बना लेते हैं तो जिससे कि हमारी प्रेरणा वापस आ जाती है, हम दूसरों से प्रेरणा ले लेते हैं जिससे कि हमारी जो ऊर्जा कम होने लगती है वो ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है कि उत्कृष्ट का सीधा मतलब है कि सर्वोत्तम व्यक्ति बनना होता है, अच्छा व्यक्ति होना काफी नहीं है लेकिन आपको उत्कृष्ट लक्ष्य रखना होता है जो सफलता के लिए हमारे महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के लिए आपको भी जो करना है वो बहुत जरूरी होता है। एक अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम जो भी काम करें एक लगन और मेहनत से करें और अपने रास्ते को सही तरीके से अपने मन को कहीं ना भटका, जो हम दूसरों से अगर हम भटकते भी हैं तो हमें अपने जो हमारे लाइफ में जो हमारे मेंटर होते हैं उससे प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं और अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं। दूसरी बात, इस स्थिति में होता क्या है कि हमें कुछ लोगों से अद्भुत लोगों से मुलाकात भी होती है जो हम मिलने से कभी असंभव होते हैं, जो हम मिलना असंभव मानते हैं ऐसी स्थिति में हमें कुछ लोग मिल जाते हैं। जैसे कि ऑन स्पॉट एग्जांपल ले लो, नई दिशा फैमिली में हमारे जितने भी हैं फैमिली, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम संपा मैम से मिलेंगे या सैन मैम से मिलेंगे या विकास सर से मिलेंगे या गायत्री मैम से मिलेंगे। ये इसे मतलब एक हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति जा रहे हैं लेकिन एक अद्भुत मूर्तियों से मुलाकात हुई, अद्भुत लोगों से मुलाकात हुई, महान व्यक्तियों से मुलाकात हुई जिससे कि हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने मार्ग को सही तरीके से मार्गदर्शन ले भी रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर जा भी रहे हैं। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत अच्छा आपने बात कही है उत्कृष्ट के बारे में। सच में आप बहुत अच्छा, आप भी एक दिन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू अमर सिंह जी, आपने सही कहा। एक्चुअली दुनिया में दो तरीके के लोग होता है, एक उत्कृष्ट और एक होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब होता है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, और निकृष्ट मतलब एकदम सर्वनिम्न। दो तरीके की इंसान दिखा जाता है, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ लोग हम किसे कहते हैं, जो सम्मान से कभी गर्वित ना हो, जिसे सम्मान दिया जाता है लेकिन उससे उसे अहंकार या गर्व ना होता है, जो इंसान अपमान से भी क्रोधित नहीं होता है और क्रोधित होकर भी
कभी बुरा शब्द मुंह से नहीं निकलता, वो है दुनिया के सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। तो ऐसा इंसान बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। हम निकृष्ट भी नहीं है, उत्कृष्ट भी नहीं है, हम बीच में लटक रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। तो बहुत अच्छा आपने बात कही अमर सिंह जी, थैंक यू। ऐसे ही साथ देते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे हम। थैंक यू मैम। आप वंदना श्रीवास्तव प्लीज वेलकम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आवाज क्लियर है मैम अभी हमारी? यस, करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी लोग सभी उपस्थित हैं सभी का वेलकम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के टॉपिक पे बोलना चाहूंगी कि जीवन में गहरे और अर्थ और उद्देश्य को खोजने का सबसे आसान तरीका है उत्कृष्टता का पीछा करना। मतलब उत्कृष्टता क्या होता, मतलब बेस्ट बनने का पीछा करना, हमें बेस्ट बनना है। हेलो मैम, आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। हमें उसमें विशेषता हासिल करना, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जैसे जब हम अपना कोई भी जैसे लक्ष्य कोई निर्धारित करते हैं, उसमें सफलता पाने की कोशिश करते हैं और सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं ना, और ये सफलता आती जाती भी रहती है। और बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है मैम शायद, है ना? कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, सफलता आती जाती भी रहती है, और सफलता कुछ क्षण के लिए भी हो सकती है कहने का मतलब। लेकिन अगर हम उस क्षेत्र में उत्कृष्टता मतलब हासिल कर लेंगे, उसमें महारत हासिल कर लेंगे, है ना, उसकी विशेषता हासिल कर लेंगे कहने का मतलब, तो ये हमारे लिए जीवन पर्यंत हो जाती है ना। जैसे कि सिर्फ सफल होना काफी नहीं है, उस कार्य में उस क्षेत्र में जिसमें आप जो आपका लक्ष्य है उसमें विशेषता हासिल करना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि क्रिकेट गेम है ना, कोई भी गेम ले सकते हैं, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें सभी लोग खेलते हैं, सभी मेहनत करते हैं, ठीक है, सफल सभी होते हैं, जीत जाते हैं ना, तो सफलता सबको मिली है ना, किसी एक को नहीं मिली। लेकिन उसमें एक बेस्ट होता है ना, एक दो लोग ऐसे होते हैं जो महारत हासिल किए होते हैं, जिनका एक नाम अलग ही होता है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए ना, उनको उसमें महारत हासिल है, वो बेस्ट है ना कहने का मतलब। तो सफलता से आगे की सोच रखिए, मतलब कि हम ठीक है सफल हो जाएंगे, किसी काम को करेंगे, जीत जाएंगे, ठीक है सब कुछ, लेकिन ये तो पल भर के लिए भी हो सकता है ना, कभी आ भी सकता है, जा भी सकता है। लेकिन अगर हम विशेषता हासिल कर लेंगे, उसमें बेस्ट बन जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए और हमारे और सपनों को साकार करने के लिए किसी भी क्षेत्र में हमको और बेस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हमें कुछ खास मतलब जो सफल होने के लिए प्रयास करते हैं ना, उससे थोड़ा से और अलग हटके प्रयास करने होंगे। जैसे टॉपर्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है मार्क्स आ गए। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी अलग मेहनत करते हैं ना, वो कुछ खास करते हैं, वो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, फालतू में समय खराब नहीं करते हैं इधर उधर, है ना, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने लक्ष्य पे होता है, अपने गोल पे होता है ना, इसीलिए वो बेस्ट बनते हैं ना, इसीलिए वो टॉपर बनते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि सफलता हासिल करने के लिए प्रयास करो, लेकिन उस चीज में आप बेस्ट बनने का अगर प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच मैम, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। थैंक यू वंदना, बहुत अच्छे बात करते हो आप, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन अपने डुबकी मार दिया था, लेकिन अभी बहुत अच्छा एकदम जिम्मेदारी निभाते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बहुत बहुत बढ़िया बात करते हो, बहुत अच्छा भी, बहुत खूबसूरत। अब भी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहना। थैंक यू वंदना, और बहुत अच्छा आपने कहा, जो हम अपने लक्ष्य के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो हम अगर अपना लक्ष्य के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, हमारा जो गोल है उसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो हम
जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सच में हम जिस शरीर में पैदा होते हैं उसमें कोई हमारा हाथ नहीं है, उसमें उससे हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिस किरदार के साथ हम दुनिया से जाते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है। तो हम अपने जिंदगी में क्या कर रहा है, क्या बन रहा है, हम लोगों से कैसे बातें कर रहे हैं, खुद किस टाइप का है, व्यवहार कर रहा है, ये हमारे साथ ही जाता है। तो थैंक यू वंदना, बहुत अच्छा लगा आपके बात सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। बीके गौतम जी आप आ गए हो क्या? बीके गौतम yes, जी मैम वेलकम। यस आवाज आ रही है? यस आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली ब्लूटूथ नहीं लगाया था तो आवाज नहीं आ रही थी, आप लोगों की आवाज आ रही थी, हमारी आवाज अब तक नहीं जा रही थी और उस टाइम भी अनम्यूट हो चुका था मैं। तो थैंक यू सो मच इनवाइटेड टू मी माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम मौर्या यूपी से। आप सभी का इस नई दिशा मंच पर दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोग आज का सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो सेशन है हमारी सोच से थोड़ा आगे है, जैसे उत्कृष्टता का लक्ष्य, एक आम इंसान होता है और एक खास इंसान होता है। जो आज का लक्ष्य है एक श्रेष्ठ से भी एक श्रेष्ठ इंसान होता है वो लक्ष्य है। यानी आप दुनिया में जिस चीज को पाना चाहते हो सकता है उस चीज को पाने के लिए बहुत सारे लोग लगे लाइन में लगे होंगे या उनका भी वो सपना हो सकता है, लेकिन जो इंसान किसी भी लक्ष्य को बेस्ट से बेस्ट तरीके से हासिल करता है वो उत्कृष्टता का लक्ष्य कहलाता है। और उसमें फिर जिंदगी में चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितनी परेशानियां आए, उन सभी परेशानियों से उन सभी बाधाओं को पार करते हुए एक बेस्ट से बेस्ट तरीके से उस चीज को हासिल करता है तो वो होता है हमारा उत्कृष्टता का लक्ष्य। उस चीज को पाने के लिए हमें जीवन में हर पल हर समय अपनी कमियों को खोजते रहना है और उन पर बराबर निरंतर उनको सही करने का प्रयास करना रहता होता है। और ये उत्कृष्टता आपके जीवन में जब आप अच्छे से अच्छा ज्ञान, अच्छे से अच्छा नॉलेज आप अपने अंदर एक्सेप्ट करते हो और उसको फॉलो करते हो तो आपको आपका जीवन किसी भी चीज को पाने के लिए उत्कृष्टता की तरफ आगे बढ़ता है। जैसा आज सभी लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे अभी मैम ने दिया, तो कहने का मतलब इस लक्ष्य का यही है कि आपको जिंदगी में जो चाहिए उसमें आपको महारत हासिल करना है। यानी आप इस तरह का प्रयास करिए कि दुनिया में आपका कोई विकल्प ना हो, तब हम समझेंगे कि आपने उत्कृष्टता की तरफ अपने लक्ष्य को हासिल किया है। जब इस तरह का आपका गोल होगा और जब आप उस गोल को हासिल करोगे इस तरीके से कि दुनिया में उसका कोई विकल्प ना हो, तो इस तरह का जीवन और इस तरह की सोच, इस तरह का लक्ष्य और इस तरह की पॉजिटिविटी, इस तरह का स्किल डेवलपमेंट आपको अपने ऊपर प्रयासरत करना होगा और आप एक एक्सीलेंट लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच चंपा मैम, यहीं पर मैं अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेलकम विकास जी। ओके थैंक यू सो मच। वॉइस मेरी क्लियर है? परफेक्ट। थैंक यू विकास सर। थैंक यू। यस बस क्लियर है आपका। यस सर क्लियर। ओके थैंक यू चंपा मैम, थैंक यू शशिकांत जी और थैंक यू एब्रिज जी आपकी अवेलेबल शेयरिंग के लिए। बहुत-बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। और डेफिनेटली नेटवर्क कुछ इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी स्पीकर्स की बातें सुनने में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन चल रहा है और बहुत ही सारपूर्ण अर्थपूर्ण सेशन चल रहा है। और हम सभी ने देखिए सुना होगा या
हम सभी लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, पढ़ा भी है कि कामयाबी के पीछे मत भागो और काबिल बनो। और काबिलियत तो काबिलियत पैदा अगर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली उन बातों पर वो सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं जिनको हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत एक माइनूट सा अंतर होता है सक्सेस में या और अदर बातों में, तो उन बातों पर हमें देना डेफिनेटली उत्कृष्टता जो टॉपिक है इसका एक लक्ष्य होना चाहिए। और देखिए जब हम उत्कृष्टता का लक्ष्य रखते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से जो हमारे एक काम करने के प्रति जो हमारी एक कड़ी मेहनत होती है या हमारा जो समर्पण होता है या चीज़ों को जो हम अच्छी तरीके से करने के लिए जो हमारे अंदर एक कमिटमेंट आता है वो निश्चित ही उसका एक फल अच्छा आता है, उसका एक प्रतिफल इतना अच्छा खूबसूरत आता है कि जो सारी बातें हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल बनते हो, आप एक लीड बाई एग्जाम्पल बनते हो, तो डेफिनेटली आप जो है अगर आप उत्कृष्टता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित ही है आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो बहुत ज्ञानवर्धक सेशन रहा और संपर्क सरकार मैम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी अपने कुछ विचार रखें, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लास्ट में बोलूंगी, अभी सबको ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं इसी क्रम में यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर है शशिकांत जी, तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें, वेलकम है आपका शशिकांत जी। थैंक यू सर। सर मेरी वॉइस आ रही है सर? परफेक्ट, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू, और थैंक यू ऑल नई दिशा फैमिली मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि उत्कृष्टता का लक्ष्य, वाकई में बहुत अच्छा लक्ष्य है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना एक मानसिकता है, इस मानसिकता के साथ आकाश सीमा नहीं बल्कि शुरुआती बिंदु है। यह आपके द्वारा प्राप्त की गई अविश्वसनीय सफलताओं को देखने की मानसिकता है और फिर भी उन्हें आपको इन ऊंचाइयों से विचलित नहीं होने देती है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह अपने पिछले रिकॉर्ड पर घमंड करने के बजाय उसे पार करने का प्रयास करने की मानसिकता है। इस मानसिकता के साथ कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्कृष्टता का लक्ष्य रखने का अर्थ सब, मतलब जो उत्कृष्टता का लक्ष्य रखने का जो अर्थ है उसका मतलब है बड़ा सोचना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, ओवर टू विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल बड़ा सोचना है और एक ऐसा सोचना है कि दुनिया कहे आपके जैसा, इतना बड़ा सोचना है क्योंकि हम मानव हैं, हम सभी गुणों से ऊपर वाले ने हमें समस्त गुणों से विराजमान होकर हमें यहाँ पर धरती पर भेजा है, तो हमारे इसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ हमारी एक मूल प्रवृत्ति होती है। सभी गुण हमारे अंदर हैं, हम शिक्षा के अनुसार, हम अपने पारिवारिक माहौल के अनुसार या हम अपने आसपास के समाज के अनुसार उन गुणों को विकसित करते हैं। यद्यपि ये सभी बातें हम सभी में समान रूप से ईश्वर हम सभी को यहाँ भेजता है, तो उन पर हमें बल देने की जरूरत है और डेफिनेटली हमें उत्कृष्टता के ऊपर जाना चाहिए। हम सभी का या हम सभी मानव समुदाय का एक विचार यही होना चाहिए या लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम उत्कृष्टता को हासिल करें, तभी ये सब बातें संभव हो सकती हैं। चाहे हम वो मानवता की बात करें, हम चाहे वो विश्व पटल पर शांति की बात करें, चाहे हम दया भाव की बात करें, करुणा की बात करें, या बहुत सारे जो मानव समाज के जो मूल होते हैं, जो मानवता का जो एक अर्थ होता है, उन बातों पर हम तभी बल दे सकते हैं या हम प्रयास कर सकते हैं, उन पर हम कुछ कर सकते हैं जब हम उत्कृष्टता की ओर अपना लक्ष्य रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी क्रम में यहाँ पर राकेश मिश्रा जी को इन्वाइट करता हूँ, तो वेलकम है राकेश मिश्रा जी आपका। जी सर, धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, कहते उत्कृष्टता का लक्ष्य, कहते ये हर इंसान में होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। कहते कुछ लोग ऐसे होते, जैसे उत्कृष्टता का लक्ष्य का मतलब ये होता है कि हम अपनी उपलब्धियों से आगे बढ़कर सोचें, जो हम करते हैं उससे आगे बढ़कर सोचें, और जब हम उत्कृष्ट होते हैं तब अपने अन्य लोगों के लिए भी नई संभावनाएं तलाशते हैं
और पैदा करते हैं। कहते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में जब सफल हासिल होती है सफलता, तो सुझाव साझा करने के लिए हमें कुछ निम्न बातों का आवश्यक जरूरत होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी के कौशल अधिक दक्षता हासिल करना, अपने जीवन में सकारात्मक गुण विकसित करना, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना, अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए शक्ति की खोज करना, स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करने के महत्व को समझना, आत्म संदेश पर काबू पाना और आत्मविश्वास का निर्माण करना, चुनौतियों को स्वीकार करना और असफलता से सीखना, कृतज्ञता और दृश्य की भूमिका, अपनी सच्ची बातें ढूंढना, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों के बीच रहना, उत्पादक और दक्षता को वाहन करना, दीर्घकालीन विकास और सफलता की नीति को बनाना। कहते हैं कि कुछ सफल व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें अद्वितीय विलक्षण लक्ष्य होते हैं। कहते हैं उनके पास विवेक, ज्ञान, कर्म, शिक्षा, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना पाया जाता है, क्योंकि ये कुछ लोग अद्वितीय होते हैं। जैसे हमारे नंबर एक पे हमारे आते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक, ये दो, इनमें ऐसी विलक्षण शक्ति थी कि उन्होंने इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद हमारे देश को, राष्ट्र को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि भारत का पहला परमाणु बम बनाने वाले यही पहले वो वैज्ञानिक थे। और दूसरा आता हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो नए नए नीति बनाते हैं, नए 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 उत्कृष्टता का लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि इन सबको पाने के लिए हमारे पास एक शब्द और भी है, जैसे हमारे एसर है, इन्होंने तो पूरी दुनिया को ही पार लगाने के लिए लक्ष्य रखा है। तो इन लक्ष्यों को पार करने के लिए जिन कुछ विलक्षण शक्ति होती है, बेशक उदाहरण दें, लेकिन करने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास, मेहनत और सकारात्मक रूप में रहना पड़ेगा और इस पे हमें विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके कभी कोई उत्कृष्ट हुआ नहीं। पूर्ण रूप से सक्षम आज तक संसार में केवल भगवान के अलावा कोई नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें सभी को एकजुट मिलके एक दूसरे को पूर्ण करने की तैयारी में रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद सर जी। थैंक यू राकेश जी आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। बिल्कुल सही बात है, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और बहुत सारे एग्जांपल लिए आपने हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का, या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने उत्कृष्टता का परिचय दिया है, एक मिसाल बने, एक आदर्श बने समाज में कि हाँ उन एक रोल मॉडल बने हैं कि उनकी बातों का, उनकी आदतों का अनुसरण करके हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उत्कृष्टता को हासिल कर सकती हैं। डेफिनेटली विषय बहुत बड़ा गंभीर है और कहीं ना कहीं हम सभी की ये चाहत एक पहल ये होनी चाहिए। प्लीज माइक म्यूट कर लें। ओके, तो हम सभी का एक पहल होनी चाहिए, हम सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए और कहीं ना कहीं हम उत्कृष्टता को हासिल करें। देखिए, बिना जाने हम ये जाने कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं और इसी तरह डे बाय डे दिन को गुजारना, ये कहीं ना कहीं देखिए जीवन जीने का ये एक रचनात्मक तरीका नहीं है। और जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है या जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल बात सही है कि उत्कृष्टता को पाने की राह में या उसको प्राप्त करने की राह में आप खुद का एक कदम आप आगे बढ़ा लेते हो। आपको एक अपना एक विशिष्ट लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए और हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन में जेपी सर ने भी कहा कि मान लीजिए सपोर्ट कि आप कहीं किसी स्पोर्ट्स में या कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में अगर आपको अपना स्पेशलाइजेशन करना है, तो वहाँ पर कुछ विशिष्ट बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ आपको वहाँ पर विशिष्ट लक्ष्य बनाने होंगे, जो ऐसे लक्ष्य होंगे जो आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न के साथ करना चाहिए और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ये आपके मन मन मस्तिष्क में हॉन्ट होना चाहिए कि वह कौन सी चीज है ये जिसे मैं पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, या मेरी प्राथमिकताएं क्या है, या मेरी कौन सी ऐसी प्राथमिकता है जो मुझे कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये डेफिनेटली आपके दिमाग में जब इस तरह के कुछ विचार आएंगे, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कुछ विशेष करने के लिए जो भी आवश्यक बातें होती हैं, जो भी उसके जो एथिक्स होते हैं, वहां पर आप ऑटोमेटिक, एक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक आपका ध्यान वहां केंद्रित होगा। आप व्यवस्थित ही नहीं, आप सुव्यवस्थित होंगे और आप जो है बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाएंगे जो वहां पर उत्कृष्टता के लिए आपको प्रेरित करेगी। और डेफिनेटली यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा, कभी 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 क्या होता है कि हम बहुत एक टाइम में बहुत सारे विकल्प चुन लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन चुन लेते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो अगर जब हम बहुत सारे ऑप्शन चुन लेंगे
तो भी क्या है, कहीं ना कहीं ये है, कहीं ना कहीं एक जो उत्कृष्टता जैसी चीज आ जाती है, अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशंस में अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं जरूर आती हैं, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड आपका बटा रहता है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका जो लक्ष्य है, जो आपने पहले एक काम पकड़ रखा है, उसको जो है उसमें भी आप डू या डाइट जैसी बातों को अपनाते हुए आप उस पर आगे बढ़े। लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस लक्ष्य पर एक रणनीतिक रूप से आपका वर्क करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक प्लानिंग तय करनी होती है। प्लानिंग में सिंपल सी बात है, जैसे हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस बोहरा साहब कहते हैं, सी द बिगर पिक्चर। इसी तरह से अगर आपको कहीं उत्कृष्टता हासिल करनी है तो आपको पिक्चर जो है बिग देखनी पड़ेगी, आपको बड़ा सीन देखना पड़ेगा और सीन पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और जो आप करना चाहते हैं उस पर आप जो भी आप स्टेप्स डाल रहे हैं उन पर आपको जो है नजर रखनी होगी और थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। जो भी लक्ष्य होते हैं सभी से एक लीक से अगर आप हटकर जो थोड़ा सा अगर अपने विचार को लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। और हाँ, एक चीज और है कि जो सफलताएं होती है, देखिए सक्सेस सबको चाहिए होती है और सक्सेस के पीछे जैसे बहुत सारी चीज सक्सेस ऐसी होती है जो बड़े थोड़े समय के लिए होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, तो उन पर वो आपके आपके लिए उत्कृष्टता नहीं साबित हो सकती है, तो वो एक आपका पार्ट हो सकता है लेकिन आपके लिए उत्कृष्टता साबित होने का एक सही व्यवस्थित क्रम नहीं है। आप अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचें कि हाँ आप अपने फ्यूचर्स को आने वाले 5 सालों में 10 सालों में आप क्या देखना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस जगह आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप रीजंस के लिए वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्या बातें हैं, वहाँ पर कौन से एफर्ट्स हैं, वो आपको डेवलप करने होंगे। और सिंपल सी बात है, आपको कहीं ना कहीं कुछ कौशल सीखने होंगे, कुछ स्किल्स मेंटेन करनी होंगी, तभी आप जो है उत्कृष्टता को हासिल कर सकते हैं, जो आपको अन्य लोगों की अपेक्षा असाधारण तरीके से काम कराएंगे, चाहे वो कम्युनिकेशंस की बात हो, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, चाहे डिसीजन लेने की बात हो, या किसी भी ट्रेनिंग्स का भी किसी भी प्रकार की बातें हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य की क्यों ना हो या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हर चीजों में जब आप परफेक्ट होंगे, हर चीजों में जब आप कहीं ना कहीं कुछ महारत हासिल करेंगे तो आप उत्कृष्टता की ओर जाएंगे। तो डेफिनेटली सेशंस बहुत ज्ञानवर्धक रहा, बहुत मीनिंगफुल बातें रही हैं, सभी स्पीकर्स के विचार बहुत ही मूलभूत रहे हैं, बहुत ही अर्थपूर्ण रहे हैं, ज्ञानवर्धक रहे हैं। मैं एज की प्रेजेंटर जेपी सर को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक थीम रखी, एक विचार, एक आधारशिला रखी कि हम सभी स्पीकर्स यहाँ पर अपनी बातें रख पाए हैं। साहिन हसन जी की बात करूँ, बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, मैं तो यही कहूँगा उनके विचार हमेशा सार्थक होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं। और गायत्री मैम आपने भी बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बातें लगी कि इंक्रीज करना या डिपेंड करना, ये आपकी बातों से मैंने जाना समझा। तो सेशन वाइंड अप की ओर है और मैं यहाँ पर संपा सरकार मैम से सादर पूर्वक अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आई मैम आज के टॉपिक पर कुछ अपने शब्द रखते हुए। प्रियंका, प्रियंका बाकी है, इसको बुलाइए प्रियंका। ओके ओके ओके, तो आई थिंक प्रियंका मैम आप अवेलेबल हैं, तो यस यस यस, थैंक यू। तो प्रियंका मैम आइए, स्वागत है आपका, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। मैं प्रियंका तहा इटावा से सभी नई दिशा फैमिली को वेलकम करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छी है, सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग दिए। कहते हैं ना, संघर्ष तो सीता माता के भी जीवन में था और देखा जाए हमारे यश मुफारे सर के जीवन में भी बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और जितने भी हमारे ऑन पैसिवियन है सबके जीवन में ही संघर्ष है ना। कहते हैं संघर्ष हम सभी के जीवन में है, एक अलग अलग संघर्ष होता है। किसी का लक्ष्य है स्कूल या कॉलेज में टॉप करना और किसी का लक्ष्य है खुद का बिजनेस खड़ा करना, और कामयाबी मिलती है उन्हीं को जो संघर्ष करते हैं। ऐसा संघर्ष इंसान को कहते हैं पैदा होने पर ही जुड़ जाता है, पैदा होने पर गिरते पड़ते सैकड़ों बार वो पैर पर खड़े होते हैं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए क्योंकि जीवन में संघर्ष ही है, संघर्ष है तो जीवन है। तो समय नहीं है सर, मैं इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रियंका जी, आपका नित्य प्रतिदिन जो उपस्थिति है, जो आपका एक प्रयास है, बहुत ही तारीफ के योग है। और यही एक प्रोसेस होता है आगे बढ़ने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, उन बातों को जन्म देने के लिए। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आज का टॉपिक है उत्कृष्टता, तो एक प्रोसेस है और शुरुआत सभी की ऐसी ही होती है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है एक कि इसी तरह से आप नित्य प्रतिदिन आप नई दिशा के सेशंस को अटेंड करते रहें और यहाँ पर कुछ
आगे बढ़ के आए, कुछ इनिशिएटिव लें, तो ये डेफिनेटली आप भी उत्कृष्टता की ओर निश्चित पहुंचेंगे, जैसा कि यहाँ पर सभी लोग पहुंच रहे हैं। हम सभी लोग एक साथ एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते हुए उत्कृष्टता की ओर कदम तो रख ही रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका जी, और मैं यहाँ पर पुनः अनुरोध करता हूँ समता सरकार मैम से कि आइए मैम, आपका स्वागत है, आप आज के टॉपिक में शेयरिंग रखते हुए आप पूरे सेशंस का फीडबैक देते हैं, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। मेरी वॉइस आ रही है? जी जी yes, sir, आ रही है। ओके ओके, वेलकम है मैम आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है और प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। हमारी बुलेट एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, अभी तो इंडिया में भी बुलेट जैसा ट्रेन चालू हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो बहुत अच्छा लगा जेपी सिंह जी आपका प्रेजेंटेशन। आज का जो टॉपिक था उत्कृष्ट कैसे बने, उत्कृष्ट मैंने कुछ कुछ बात बताई, जो उत्कृष्ट होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब हम कहते हैं ना 33 कोटि देवता, इसका मतलब 33 करोड़ नहीं कोटि, कोटि उत्कृष्ट शब्द संस्कृत भाषा है, तो ये भी सर्वोत्तम, कोटि मतलब सर्वोत्तम या सर्व उत्कृष्ट देवता, 33 जन सर्व उत्कृष्ट देवता, उसे ही कहा जाता है 33 कोटि देवता। उसमें 11 आदित्य आता है, 12 आदित्य आता है, 11 रुद्र आता है, 8 बसु आता है, 2 अश्विनी कुमार आता है, कुल मिला के 33 जन सर्व उत्कृष्ट देवता होता है। तो ये देवता जो हम जिसे हम दूसरा देवता बोलते हैं ना, जैसे नारायण, ये सब परम ब्रह्म होता है और देवता यही उत्कृष्ट देवता होता है। क्या नाम है आपका चवन? आपका माइक आपका जी बिल्कुल। ऐसे देखिए हम ऐसा वो कनेक्ट की वेबिनार में है, हमारा प्रॉपर ड्रेस नहीं होगा तो हम कैमरा ओपन नहीं करेंगे, तो थैंक यू। तो आज की बात जो है, हम उत्कृष्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हमारा माइंड को भी थोड़ा समझना होगा। हम उत्कृष्ट बनने के लिए हमारे बहुत सी जो कमियां हैं उसको देखना पड़ेगा। डेवलप योर ओन स्टाइल, आपका जो स्टाइल है उसको आप जैसे काम करते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, उसको आप डेवलप करें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें और अपने आप पर कभी डाउट ना करें, जो मैं ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इस पर अपने आप पर कभी डाउट ना करें। आपने क्या मिस्टेक किया है उसको समझे, उसके ऊपर काम करें, आपका पॉजिटिवनेस क्या है उसको जानिए, फिर उस पॉजिटिव जो नेगेटिवनेस है उसको अब छोड़ने की कोशिश करें और पॉजिटिवनेस को अब जानिए, मेरा अंदर पॉजिटिविटी क्या है, अब उस पे ही ध्यान दीजिए और उसी अनुसार आप काम करें। नेगेटिविटी से अपना जो माइंड है उसको आप बचाइए तो ही आप उत्कृष्ट इंसान बन सकते हैं। लेकिन हर इंसान के पास, हम इंसान हैं, हम इंसान के पास ऐसा नहीं है जो सभी खुश है, कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब वो नहीं है जो उसके जिंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन वो मुस्कुराता है, तो ये भी एक अच्छे इंसान बनने का एक ये है,
क्योंकि हम दुखी है, हम दुखी हम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कहावत है ना, जब मरहम का कीमत ज्यादा है वो लोगों के पास नहीं रहता, लेकिन नमक का कीमत थोड़ा कम है, वो आपके ऊपर छिड़कने के लिए लोग रेडी रहता है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, और पैसे से ज्यादा मुस्कुराहट बांटिए लोगों को। पैसे एक किसी भी काम से, किसी भी मदद से, अगर किसी के चेहरे में स्माइल आ जाए तो उससे ज्यादा खुशी आपको और किसी में नहीं मिलेगा। जो मुस्कुराहट बांटने का यही एक तरीका है, तो हर इंसान मुस्कुरा रहा इसका मतलब वो नहीं, उसके अंदर सब कुछ सही है, वो खुश है। क्योंकि हम जब हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, जो हम खुशी रहते हैं, हम हैप्पीनेस है, तो वो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप काम करेंगे ऐसा, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, तो वो हैप्पीनेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन वो आपको करना पड़ता है, उसे आप चूज करना पड़ता है। जो हम हैप्पीनेस को लाएंगे उसे आप चूज करना पड़ता है उसको बस। लेकिन प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, समस्या भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए जो हमारे अंदर गुस्सा, जिसे अंगार बोलते हैं, हमारे अंदर गुस्सा अंगार वो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन शांत रहना, चुप रहना, ये हमें भी चूज करना पड़ता है। हमारे अंदर नफरत, किसी को देख के जलन, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेगेटिविटी वो भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी वो कुछ चूज करना पड़ता है। तो इंसान के अंदर सब कुछ है, लेकिन वो आपको चूज करना पड़ेगा, हम ये नहीं लेंगे ये लेंगे, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी को देख के आपका मन में कुछ जलन आ जाए, क्या गुस्सा आ जाए, या कुछ दूसरा टाइप का आ जाए, तो ये आपके आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। ये सारे के सारे चीज आप क्या है उसी को देखिए, और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। इससे पहले भी मैंने कहा था, जो आप कंपटीशन में मत जाना, जो उसके पास ये है मुझे भी वो चाहिए, ऐसे कंपटीशन में मत जाना। आप बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करें, क्योंकि आप अलग हो, दुनिया में हर इंसान अलग है, तो आपका अलग पहचान बनाए। तो हमारा नई दिशा का तो यही कोशिश है, हम सबको अलग पहचान बनाने का। तो इसके अंदर हम बातें तो करते हैं, लेकिन मानते कितने लोग हैं। हम बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम इंसान हैं, मन के अंदर कुछ कुछ आ ही जाता है। लेकिन इसको अगर हम मार सके, ये नेगेटिविटी को, बुराई को हम मार सके, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, आज सोएंगे कल उठेंगे क्या नहीं, इसका किसी का कोई पता नहीं होता है। तो लोग कहते हैं ना, जब जिंदगी एक बार मिलते है, लेकिन जिंदगी हर सुबह मिलता है, मौत एक बार मिलता है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और अपने खुशियों के साथ, फिर से वही बात दोहराऊंगी, कुछ कर दिखाए ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू बिकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका होस्टिंग बहुत जबरदस्त था, ये भी मैं फीडबैक दे रही हूँ। थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, और सच ए वंडरफुल शेयरिंग, और बहुत अच्छी बातें कही आपने, बहुत सारी बातों पर आपने बल दिया, और डेफिनेटली अगर आपको बेहतर बनना है, बेहतरीन बनना है, तो हमें बहुत सारा वर्क करना है, बहुत सारी बातों पर ध्यान देना है, स्पेशली जैसा कि एक ईर्ष्या होती है, ठीक है, कंपटीशन से एक अलग चीज़ है, कंपटीट करो, अपने आप को काबिल बनाओ, एक्सीलेंस को हासिल करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे अगर आपको कुछ गलत है, जो कुछ नेगेटिव है, जो आदतें होती हैं, उनको अगर आप विकसित करके अगर आप उत्कृष्टता को हासिल करना चाहते तो कहीं ना कहीं वो नहीं चीज़ें प्राप्त हो सकती, तो हमें इन सभी बातों से, चाहे वो ज्वेलसी हो या कुछ और भी जो आते हैं हमारे अंदर जो नकारात्मकता को और बल देती है, नेगेटिव थॉट्स हों, इन सभी पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें प्रेरित रहना है, हमें निरंतर अपने ऊपर वर्क करना है, उसके लिए हमें बार बार वर्क करना होगा, बहुत सारी आदतों को विकसित करना होगा, एक काम में सफलता के लिए, एक काम में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए, खुद को उत्कृष्ट व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें ये बिल्कुल प्रोसेस है, इसमें बार बार वर्क करना होता है, अगर आपको बार बार कहीं बुक्स पढ़नी है तो बार बार बुक्स पढ़नी है आपको, बार बार अगर वो काम करना है सफल तरीके से तो बार बार काम करना, हर वो चीज आपको बार 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 करनी है और प्रत्येक समय करनी है आपको, आपको बिल्कुल एक एक कहते हैं कि ना एक धुन का धनी होना, जिद्दी स्वभाव होना, कड़ी मेहनत करना और पक्का इरादा रखना, इन सभी बातों पर आपको हमेशा अपने आप को रखना है, तब आप जो है उत्कृष्टता की ओर हासिल करेंगे, उत्कृष्टता को हासिल रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए हम सभी सफल होना चाहते हैं, सभी सक्सेसफुल मैन या पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने बहुत सारे सफल लोगों को के साथ सुना भी है, संगत भी की है, तो सबका बिल्कुल एक नटसेल में यही सार आता है कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको एक अच्छा इंसान जरूर बनना होगा, अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, आपको सफलताएं मिल जाती हैं, आपको उत्कृष्टता मिल जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको उत्कृष्टता जाहिर करने के लिए एक अच्छा इंसान जरूर बनना होगा। तो बहुत सेशन ज्ञानवर्धक रहा, बहुत नॉलेजफुल रहा, बहुत सारी बातें हम सभी लोगों ने चर्चा की हैं, आप सभी लोगों का एक बार मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उपस्थित यहाँ पर गायत्री जी हैं, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेरक विचारों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जहाँ जितने भी स्पीकर्स आए हैं सभी का नाम लेना थोड़ा कठिन होगा, समय का भी अभाव है, सभी को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि इसी तरह से आप नई दिशा के सेशंस पर उपस्थिति बना के रखे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब लोग प्रेरित होते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे भी बढ़ते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका, इसी तरह से सेशन में उपस्थिति बना के रखे हैं, मिलते हैं हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए होस्ट के साथ, नई बातों के साथ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ, मैं उपस्थित यहां पर सभी का एक बार पुनः जो नई दिशा के ऑर्गेनाइजर हैं श्रवणन केएल सर का, साहिन हसन जी का, संपत सरकार जी का, आपका भी एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, इसी के साथ मैं सेशंस को वाइंड अप करता हूँ, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और जो अपने सिस्टम का स्लोगन है वी आर सो इन इट टू विन इट बोलकर सेशन को वाइंड अप करें और बहुत ही एक्साइटिंग वे में हम सभी लोग बोलेंगे एक साथ, नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट।